रॉबिन। हाँ जी डैडी। बेल बजी है। अच्छा जाके देख कौन आया। तुसी देख लो। तू क्यों नहीं जा सकता? मैं लेटिया हुआ ना डैडी। तू बेल वजन तो बाद लेटिया। तुसी नेड़े बैठे हो ना, तुसी चले जाओ। वाह पुत्र वाह, असी पूरी जिंदगी काम किता, मेहनत की, तुहानू पाल पोस के वड्डा किता, ते सोचिया बुढ़ापे दे विच बच्ची ते मां प्यो दा सहारा हुंदे ने। तुसी इस करके जमया ताकि मैनू इमोशनल ब्लैकमेल कर सको। ठीक है पुत्र, जे इदां दी गल है ते मैं ही उठ के चले जाना ते दरवाजा खोल देना। ठीक है, चुपचाप जाके दरवाजा खोल। ओ यार तुसी क्यों नहीं जा सकदे? मैं अखबार पढ़ने च बिजी हां ना, ते मैं भी ते फोन ते बिजी हां ना। तेरे बड़े बिजनेस चलते ने फोन ते तुसी केड़े बंगले खड़े करते अखबार पढ़ पढ़ के। तू मेरी इंसल्ट कीती है? तुहानू फील होई है? हां सॉरी, मैनू लगे हुण तक आदत पै गई होनी है। दसा तेनू मैं ढीला। अच्छा डैडी जा रहे जा रहे, चप्पल पा लो तुसी। बदतमीज कित्थों दा। ओहो कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा, इन्नी देर दी बेल बजा रही हां मैं। हैशटैग कुंडी खोलो। चलो चंगा कीता दरवाजा नहीं खोलिया। ओ अंदर आ चुके ने। ओ हां तू अंदर किवें आई, दरवाजा खुलिया होया सी? नहीं, किचन दी खिड़की टपके अंदर आके दरवाजा खोल के फिर खिड़की टपके बाहर गई, फिर दरवाजे तो अंदर आई हां। हैशटैग टप टपके। ए हैशटैग हैशटैग की बोली जांदी है? ओ नवा नवा इंस्टाग्राम चलाना सीखे है ना, ता करके। लो जी ते तू शर्म कर ले रॉबिन, दरवाजा नहीं खोल सकदा सी, घट्टो घट अपनी मां नूं खिड़की तक टपा देंदा, बेचारी नूं दो बार खिड़की टपनी पई। मम्मी तुसी खिड़की ते चढ़े किवें? ओ दुबे साहब दी पिठ ते चढ़ के। अजकल सानू बच्चियां तो कोई उम्मीद रह नहीं गई है, पड़ोसी कम आ रहे ने। असी तां इहनूं ऐ सोच के पाल पोस के वड्डा कीता कि बुढ़ापे दे विच बच्चे ते मां बाप दा सहारा हुंदे ने, पर मैनूं तां दुबे साहब दे कंधे दा सहारा लेना पिया। हैशटैग दुबे जी फॉर लाइफ। कंधे दा नहीं पिठ दा। नहीं वापसी खिड़की टपदे होए मैं उहनां दे कंधे ते जंप कीता ना। हुण उहनां दा कंधा छाती ते टिड सब इक्को लेवल ते आ गया। दुबे जी आप कुछ लेते क्यों नहीं? चार पेन किलर, तीन दिन की छुट्टी और दो डॉक्टर की सलाह लेकर आ रहे हैं, और आप कहते कुछ लेते क्यों नहीं? मैं तो बिस्किट की गल कर रही थी। खाए बिस्किट? ओ दिखाई नहीं दिया। और तुहानू की दसा मैं इनू कितनी बार समझाया है कि तेरी खेडन टपन की उम्र चली गई है, पर है मंदी कित्थे है? खेलने कूदने की? अरे भाई साहब, भाभी जी हमारी पीठ पे ऐसे कूदी जैसे जन्माष्टमी की मटकी फोड़ने जा रही है, और हम मदद करना चाह रहे थे, हम अभी ढंग से खड़े ही नहीं हुए कि भट से हमारे कंधे पे दोबारा कूद गई, ये कोई बात है? देख ले तू कितना पारी नुकसान कराता है ना दा। नहीं वो पैसा तो ज्यादा नहीं लगा। नहीं पर नुकसान तो पारी चीज नाल ही होया ना। तुसी इहनू छड्डो, ए चाह पियो, असी अज तुहाडे लई बड़ी स्पेशल चाह बनाई है। जी शुक्रिया। चलो जो हुआ सो हुआ, इसी बहाने साथ में चाय पीने का मौका मिल गया क्यों भाभी जी? अरे वाह जो साहब, चाय तो वाकई बहुत स्वाद बनी है, एकदम फ्रेश दूध की लग रही है। कहीं घर में गाय वाय तो नहीं पाल ली है, हैं भाभी जी? बस ऐसा ही कुछ समझिए। हैशटैग नो बॉडी शेमिंग। मेरा मतलब हम लोग ना कंट्री डिलाइट का 100% प्योर एंड फ्रेश मिल्क यूज करते हैं। इसमें कोई पानी की भी मिलावट नहीं होती और किसी होर टाइप की भी एडल्ट्रेशन नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश फार्म टू होम डिलीवर होता है दूध। इसका तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हैशटैग नेचुरली अच्छा नेचुरली सच्चा। हमारे घर में जो दूध आता है ना उसकी चाय बनाओ तो कभी कभी पीते पीते फट के पनीर बन जाता है। लो जी कर लो गल, कोई नहीं असी भी तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देंगे ऐप तो। अरे दुबे अंकल तुसी इत्थे? सत श्री अकाल, की हाल है अंकल? आ की बदतमीजी है, मैं की कीता? पैर छू ना दे, बिस्किट लेके आ गया। हैशटैग शट अप एंड बेंड ओवर। एदे करके ही होया सब कुछ। मेरे करके? ठीक हो तुसी, राती काटता नहीं पीके सुते? कंधा है ना दा, कूदी मम्मी ते होया सब कुछ मेरे करके। दुबे अंकल मैं बकासूर हूँ। बकासूर? एदा मतलब है बेकसूर है। ओ बेकसूर,
जे तू टाइम नाल दरवाजा खोल दिंदा ना, ना तेरी मां खिड़की टपदी, ना इना दे कंधे ते जंप करदी। ठीक है, जे मेरे करके सब कुछ होया ना तो फिर ठीक भी मैं ही करांगा। वो कैसे? मैं वो फेसबुक ते बड़ी वीडियो देखी है गर्दन कड़कान वालिया, मैं कर दांगा ठीक। हाँ हाँ ए कर देगा, एदी ते पापा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। पर इंजीनियर तो मैं आना। अगर ये इंजीनियर भी होता तो ये काम तो डॉक्टर का है ना। अरे अंकल तुसी टेंशन ना लो, मैं एकदम ठीक कर दूंगा, मेरा हाथ बड़ा साफ है। रे खोलो यार। कर दे पुत्र, शाबाश, निकाल दे कड़ाके, वेरी गुड। और रुक जा, कोई दिक्कत ही ना हो जाए यार। देखो ए, ओ देखो चिड़ी चिड़ी। डैडी। हाँ जी पुत्र बोलो। वो मेरा फ्रेंड है ना गुरप्रीत। कौन? खन्ना साहब का मुंडा? हाँ जी हाँ जी, ओदा ना बर्थडे है 2 दिन बाद। अच्छा, ओदा भी बर्थडे होंदा है? नहीं होर की, वो कोई इंटरनेट तो डाउनलोड होया सी। वो दिन भी दूर नहीं है पुत्र, अगे दस। ते वो कह रहा सी कि इस बार ना ओदे बर्थडे की पार्टी होएगी पहाड़ा दे विच। अच्छा जी, उन्हें तेनू भी सदे अपने बर्थडे ते? होर की, गुरप्रीत नाल यारी पक्की है ते मैं ना ओदे बर्थडे ते जाना है। मैं चले जावा? बिल्कुल जाना पुत्र, एक मिनट। खन्ना साहब ना? हाँ जी खन्ना साहब, की हाल चाल? बस मैं भी बढ़िया। मैं सुनिया तुहाडे मुंडे दा बर्थडे आउण लगा। बस जी, अजकल पता ही नहीं लगता कद बच्चे वड्डे हो जान ते बदतमीज दी। मैं कह रही सी कि मुंडे नूं कहो कि इस बारी बर्थडे ना घर ही सेलीब्रेट कर ले, बाहर जाण दे हालात हैं कोई नहीं, स्पेशली पहाड़ां ते तां बड़ा रिस्की है, वो अजकल बारिश करके लैंडस्लाइड हो रही है ना। मैनू तो बस फिक्र है जी बच्चों की, तो मैं सोचा थोड़े नाल गल करा। ठीक है जी, थैंक यू खन्ना साहब, ओके। हेलो। हाँ गुरप्रीत, की बर्थडे पार्टी कैंसल? क्यों? ओ यार मेरी की गलती है, डैडी ने पता नहीं तेरे डैडी को फोन करके की क्या? ओ यार हद हो गई। हेलो हेलो। चलो जी, हुन तां गुरप्रीत दा बर्थडे भी कैंसल हो गया, हुन तां किथे नहीं जाना ना। डैडी आ की गल हुई यार, मेरा ते कराए जिदा बर्थडे सी ओदा भी प्लान कैंसिल कराता। खन्ना साहब नाल यारी पक्की है। जाओ चलो कम करो। अद्दा यार तोड़ी। ये देख ये दूध ना मैंने सवेरे उबाल के रखा था। कंट्री डिलाइट के दूध पे इतनी क्रीमी और गाढ़ी मलाई बनती है क्योंकि 100% प्योर है, इसीलिए तो मेरा फेवरेट है। हुन इहनू ना असीं बोल दे विच पा लांगे। फिर इहदा की बनावांगे असीं? घी। हाँ, जिद्दा पहला बनाया सी ना। ऐ तां वेरी नाइस हो गया मम्मी। वेरी नाइस सुनन वास्ते नहीं दस रही मैं तेनू ए सब, तू ए सब काम सिख ले, नहीं तो कल नू तेरा व्याह होना मुश्किल हो जाना है। अजकल कुड़ियां दा कुछ नहीं पता, कुछ खाना बनाना आंदा भी है कि नहीं, ते असीं कोई एहो जी कुड़ी लब्बांगे जिनू खाना बनाना आंदा होवे। कर दी ना अपने डैडी वाली गल, जे ओनू सब आंदा होएगा फिर उन्हें कहना है एदी मां ने इहनू कुछ खाया ही नहीं। की कर रहे ने दोवे मां पुत्र? ओ डैडी, मम्मी ना मैनू घ्यो बनाना सिखा रहे ने। साडे लई भी कुछ बना दे यार, सानू भुखा मारेंगी। देख ले, कहा सी ना मैं बना रही हूँ। हैशटैग ऑलवेज डिपेंडेंट। डैडी तुहाडी मम्मी ने तुहानू कुछ नहीं सिखाया? चुड़ैला नाल किवें डील करना है ना, ऐ कोई भी नहीं सिखा सकता पुत्र, व्याह तो बाद बंदा आपे ही सीख जांदा। जे तुहानू सब कुछ आंदा है ना ते बना लो अपनी रोटी सब्जी किसी दिन, फिर उस दिन तां मेरा फास्ट होएगा। और रोटी सब्जी बनाना ते छड्डो, तुहानू तां सब्जियां खरीदनी भी नहीं आउंदी। की क्या? और नहीं ते की, हर वारी महंगी सब्जियां चुक के लियांदे हो। सब तो बेस्ट रेट ते सब तो बेस्ट क्वालिटी दी सब्जी लांदा मैं। पिछली वार टमाटर लेके आए सी, ओदे विच कीड़ा निकलिया, कहंदे कोई नहीं हो सकदा अगली वार कार या मोटरसाइकिल निकल जाए। तुहानू ना बेवकूफ बनाना बड़ा सौखा है। हाँ, शुरुआत तो तेरे प्यो ने कीती सी। की क्या? तू अपनी रोटियां वल ध्यान दे, अजकल रोज जली हुई रोटियां खानी पैंदी है। ओ ते तुसी पता नहीं मैनू केड़ा आटा लिया के दिता है, सारी रोटियां जली जांदी है। हाँ, आटा थोड़ी, मैं तो बारूद लिया के दिता है। ठीक है, फिर तुसी दोवे ना आप अपनी रोटी बना लो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो तू भी रोटी बनाना सीख ले, वरना कल नू तेरा व्याह होना मुश्किल हो जाना है। हैशटैग रिमेन अनमैरिड। मेरी भी ना बस पुछ ही नहीं निकली, नहीं तो हालत तो मेरी भी कुत्ते वाली है। पुत्र तू भी ना थोड़ा जहा रोब चलाना सीख ले, वरना व्याह होना मुश्किल हो जाना है, नहीं तो मेरे वांगू रह जाएगा। ओ यार मैं कराना ही नहीं व्याह, तुसी दोवे ने मिलके मेरा मन ही मारता। बना लो हुन रोटी। रोटी खिला दे। हैशटैग दुर फिटे मुंह। प्यार में धोखा, सड़क पे ठोका,
एक पत्नी ने अपने पति को अपनी मशूका के साथ चुस्की खाते रंगे हाथ पकड़ा और अपने आशिक के साथ मिलके सड़क पे ही पीट दिया। सैड। गुमशुदा की तलाश। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक गुड्डू नामक कुत्ता निवासी राजनगर थाना कवि नगर दिनांक 4 जुलाई से गायब है। जिस किसी को खबर मिले निम्नलिखित नंबर पर संपर्क करें, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। देख लो, लोकी अपने कुत्ते नाल भी कितना प्यार करते ने। 4 जुलाई का गुमया कुत्ता हले तक अखबार च ऐड देके लभ रहे ने। तुसी ता मेरे वास्ते इन्नी मेहनत भी ना करो। तू एक बार गायब होके ता वेख, पूरी जिंदगी रोज ऐड दवांगा अखबार च, तेरी सौ। डैडी दैट्स रूड। हां हां ठीक है। सानू लोगों नू दसना चाहिए कि साडा आपस च कितना प्यार है। वैसे एक गल कहां मम्मी, डैडी ना तुहाडे सामने इहो जी गल्लां करदे ने पर अंदरों ना तुहाडी बड़ी फिक्र करदे ने, बस बोल दे नी। वैसे ना तू सही कह रहा है, तेरे अगे भी ना बड़े स्ट्रिक्ट बंदे ने पर अंदरों ना बड़े सॉफ्ट ने, तेनू प्यार बड़ा करदे ने। सच्ची डैडी? पर तुसी ना मैनू चपेड़ा बड़ी मार दियो। अच्छा ठीक है भाई, हुण नहीं मारदा तेनू चपेड़, ठीक है? प्रोमिस? हां भाई प्रोमिस। ठीक है। हेलो, की कह रहे हो तुसी? अच्छा की होया? ओ मिसेस पल्ला दा कुत्ता ना किडनैप हो गया। ऐ किवें हो सकदा है, डैडी तां इत्थे बैठे ने। मैं कुत्ता? डैडी मेरा मतलब हुण तक तां तुसी उस कुत्ते नूं लभ रहे हुंदे ना, उस कुत्ते नाल तुहाडा ज्यादा प्यार है मेरे तो। उस कुत्ते दी भी दुम सिद्धी है पर एदी नहीं। फिर कहंदा मैनूं चपेड़ा ना मारो। देख लो अपने सॉफ्टी नूं, दफा हो जा इत्थे दी। देख रहे हो, हम लोगों के अंदर प्यार बड़ा है लेकिन वो चपेड़ के साथ ही बाहर आता है। खैर छोड़ो, अगर आप लोग भी इस वीडियो में चपेड़ का इंतजार कर रहे थे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल को हमने फटाफट से 1 मिलियन पे पहुंचाना है तो इसको सब्सक्राइब कर देना मत जाना। एंड आई ओनली ट्रस्ट कंट्री डिलाइट काउ मिल्क, उसकी मलाई बहुत ही क्रीमी और गाढ़ी बनती है जैसे आप लोगों ने देखा, और हम हर दिन 2 लीटर काउ मिल्क लेते हैं और 1 महीने बाद 1 बॉटल घी घर पर ही बन जाता है। तो आप भी ट्राई कीजिए कंट्री डिलाइट का प्योर एंड फ्रेश काउ मिल्क जो कि डायरेक्ट फार्म से आता है, वो भी मिल्किंग के कुछ घंटों बाद। तो अभी कंट्री डिलाइट का ऐप डाउनलोड कीजिए और पाइए 100% कैशबैक अपने फर्स्ट रिचार्ज पर।